80 करोड़ गरीबों के लिए मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। दीपावली तक गरीबों को मुफ्त अनाज देगी सरकार। अन्न योजना के तहत और 8 महीने तक मुफ्त अनाज मिलेगा। गरीब भाई बहन परिवारों को भूखा नहीं सोने देंगे, कहा प्रधानमंत्री ने। पिछले वर्ष जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा था तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 8 महीने तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था हमारे देश ने की थी। इस वर्ष भी दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। अभय दुबे जी, इस मूव पर आपकी टिप्पणी। नहीं देखिए, मैं जो 2-3 रुपए किलो पहले भी कांग्रेस की सरकार ही प्रोविजन किया था 86 करोड़ लोगों तक 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल, तो 2-3 रुपए किलो की ये मदद प्रधानमंत्री जी ने की है। मगर मैं आपको इसका आगे बढ़कर बताना चाहता हूं। जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम 3 मुफ्त सिलेंडर देंगे लोगों को गैस के, 9 करोड़ लोगों को उसका लाभ मिले, उसके पहले ये योजना को प्रधानमंत्री जी ने बंद कर दिया। प्रधानमंत्री एक दूसरा पहलू भी मैं आपसे जानना चाहता हूं अभय दुबे जी, ये प्रेम जी के पास जाऊंगा सवाल लेकर, लेकिन आप लोग जिस पर जोर देते रहे, राहुल गांधी अक्सर कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी, कंजम्पशन कैसे किक स्टार्ट किया जाए, इसकी बात करते रहे हैं। क्या इस योजना से उस कंजम्पशन को किक स्टार्ट करने, इकोनॉमी को गति देने में मदद मिलेगी सर? नहीं नहीं, हम तो देखिए इकोनॉमी को गति देने के लिए विश्व भर के सारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि आप न्याय जैसी योजना, आप भले ही प्रधानमंत्री जी उसको खुद का नाम दे दें, लेकिन 6-7 हजार रुपए पर मंथ कैश उनके हाथ में रखिए अंतिम पंक्ति में खड़े हुए 20% लोगों को, तभी ये रिवाइवल संभव है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऐसे अनाज देने के बजाय उनके हाथों में अगर आप पैसा रखते तो इकोनॉमी को ज्यादा बूस्ट मिलता? ये अनाज तो पहले से दिया जा रहा है, ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए। ये पहले से दिया जा रहा है प्रेम शुक्ला जी, ये भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है। और एक 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 एक, एक मैं निवेदन के साथ आपके पास आना चाहता हूं प्रेम जी, निजी टिप्पणी मत कीजिएगा अभी जो आप करने लगे थे गांधी परिवार को लेकर, ये प्लीज मत कीजिएगा, अब अपना जवाब दीजिए। कैसे निजी टिप्पणी हो गई श्रीमती सोनिया गांधी? देखिए ये नहीं नहीं, ये ठीक है कि आप पूछें कि शीर्ष नेता कब लगवाएंगे, लेकिन उसको लेकर वो विदेशी वैक्सीन को लेकर आपका जो तरीका था ना प्रेम शुक्ला जी, अच्छा ये बताइए ये पहले से चल रही योजना है क्या अनाज वाली? अनाज की योजना 1-2 रुपए में राशन मुहैया, एक सेकंड प्रेम जी फिर डाइवर्ट हो जाएंगे, 1-2 रुपए में क्या अनाज पहले से मुहैया कराया जा रहा था? ऐसा करके कुछ बड़ा काम नहीं किया गया है? देखिए सबसे पहले इस देश के गरीबों का पेट भरने की योजना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में आई, उसमें कुछ विस्तार जो है कांग्रेस ने किया, लेकिन ये जो योजना है ये सबको मुफ्त में राशन, उस जो राशन पर उनका जो अधिकारी जो लेते हैं राशन, उसके अतिरिक्त यह राशन मुफ्त का राशन जो है सरकार की तरफ से पिछले वर्ष भी दिया गया, और ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना रही है, इतिहास की सबसे बड़ी योजना रही है कि 80 करोड़ लोगों को लगातार 7 महीनों तक पिछले वर्ष और इस वर्ष भी जो 2 माह पहले और अब दिवाली तक उसको एक्सटेंड करके, ये नई योजना है जिसके तहत ये पुरानी कोई कांग्रेस सरकार के समय इस तरह की ना कोई महामारी थी ना इस महामारी को लेकर कोई योजना। दूसरी बात, अब आप जो है जो मैं कह रहा हूँ श्रीमती सोनिया गांधी, अब मैं आता हूँ सर प्रेम शुक्ला जी, आता हूँ अभी, डाइवर्ट मत कीजिए, टाइम भी कम है प्लीज। मैं जरा इसको लेकर जाना चाहता हूँ गोडसे, डॉक्टर गोडसे के पास। डॉक्टर गोडसे, आप कह रहे थे कि जिसको खरीदना है खरीदे। देखिए हमारे यहाँ की स्थितियां ये है कि आपको अनाज देना पड़ेगा लोगों को, अगर हो सके तो कैश से भी मदद दीजिए, तो लोग तो आज ये कह रहे थे कि हमको कैश भी मिलता, हाथों में कुछ पैसा आता, हम लॉकडाउन में बैठे हुए इतने दिनों से तो हमको और उसमें मजबूती मिलती, और आप कह रहे हैं कि वैक्सीन जाएं खरीद कर लगाएं। देखो कितने झगड़ रहे हैं, मतलब जय और बीरू आपस में लड़ रहे हैं और बसंती बेचारी कुत्तों के सामने नाच रही है, एक क्या चल रहा है, क्या तू मैं सब लोग साथ में मिलके समाज इसको फिनिश करते हैं और बाद में झगड़ा करते हैं। देखो अगर अमीर लोग गरीब लोगों के सामने से कतार में लग जाएंगे, निकल जाएंगे, तो गरीब लोगों के लिए भी अच्छा है ना। अमीर लोगों को ये ऑप्शन दे दे
फाइजर मॉडर्ना और जेएनजे एट रिस्क अप्रूव कर दे, वो कहते हैं और हमारी तुलना क्यों ना हो अमेरिका और इंग्लैंड से, हम पांच विश्व में पांच नंबर की जीडीपी है, हम हमेशा भिखारियों की तरह बात क्यों करते हैं, हमारे पास ये नहीं वो नहीं ये नहीं, कोल्ड स्टोरेज नहीं, दो खोड़ी का ड्राई आइस नहीं बना सकते हम जो मंगल पे जा रहे हैं। आपने कई बार बात कही है इस पर, मैं कहता हूँ सहार दिल्ली है चारों इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे, आपको क्या जरूरी है हर विलेज में जाने की। एट डॉक्टर गोडसे रवि वन पे मैंने एक ट्वीट भेजा है कि आप गरीब को नहीं दे सकते इसलिए शहर के आदमी को भी नहीं देंगे, ये क्या, ये कहाँ का इंसाफ है। मतलब जिसको जिस तरीके से भी दिया जा सकता है वो वॉर फुटिंग पर देना चाहिए। डॉक्टर रवि गोडसे इसकी वकालत हमेशा से करते रहे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।